ऐसे ही विपक्ष ईवीएम पर सवाल नहीं उठाता। जरा इस वीडियो पर गौर फरमाइए, जिसमें एक लड़का दावा कर रहा है कि उसने बीजेपी को एक बार नहीं पूरे 8 बार वोट डाला है। बकायदा ये लड़का पोलिंग बूथ में मोबाइल भी लेकर गया है। जितनी बार ईवीएम में बटन दबाता है उतनी बार कैमरे पर बता रहा है कि कितनी बार वोट डाला है। ये वीडियो यूपी में नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने एक्स अकाउंट में पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर चुनाव आयोग को लगे कि ये गलत हुआ है तो वो कुछ कार्रवाई जरूर करे, नहीं तो भाजपा की बूथ कमेटी दरअसल लूट कमेटी है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इस वीडियो को लेकर सरकार पर सवाल उठा दिए। राहुल गांधी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखते हैं, अपनी हार सामने देखकर भाजपा जनादेश को झुठलाने के लिए सरकारी तंत्र पर दबाव बनाकर लोकतंत्र को लूटना चाहती है। कांग्रेस चुनावी ड्यूटी कर रहे सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करती है कि वो सत्ता के दबाव के सामने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी ना भूले, वरना इंडिया की सरकार बनते ही ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे की कोई भी संविधान की शपथ का अपमान करने से 10 बार सोचेगा। सवाल तो उठने ही चाहिए, क्योंकि वोटिंग रूम में वोटर्स को मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं होती। ऐसे में इस लड़के का रूम के अंदर फोन ले जाना अपने आप में बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात ये है कि उसने 8 बार कैसे वोट कर दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।